फिनिश पॉइंट्स भी वो बना चुके हैं, दैट्स अ ह्यूज नंबर। रेगल टॉस को स्पॉट किया जाएगा, रेगल टॉस ईगोट को भले ही नॉकआउट करते हैं लेकिन जवाब आने वाला है शैडो की तरफ से। नॉट ओनली नॉक, यहां पे एलिमिनेट भी किया जाएगा, रिस्क कोई नहीं लेना चाहते हैं। रेगल टॉस सर्वाइव करना सोल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ज़ीगोट जो कि नॉकआउट हो गए थे, नियो आते हैं रिवाइव डालेंगे एंड सर्कल फिर से फेवर करेगा टीम गॉडलाइक को, धीरे धीरे करके क्रीप इन करने की कोशिश कर रहे हैं टीएसएम, लेकिन टीएसएम के कंट्रोल है दूसरी टीम। मैं आपको गेमिंग यहां पे आगे आते हैं सेल्सियस के साथ एंगेज करेंगे एंड सेल्सियस नाउ गेटिंग प्रेशराइज्ड फ्रॉम टू एंगल्स। देखिए आप देखिए टीम सोल आपको सोडन गेम प्ले से बाहर जोन के मिलती है, गॉडलाइक उन्हें गेट कीप करने के लिए बिल्कुल तैयार है और साथ में टीएसएम के प्लेयर्स भी उन्हें थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं वेस्टर्न साइड से। यहां से निकल कर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि आप ब्लू जोन के बिल्कुल कॉर्नर से एक वाइड रोटेशन डाल के ईस्टर्न क्लस्टर में इन्वॉल्व हो जाए, बिकॉज यहां से ट्रैप बनने वाले और उस ट्रैप से बचना पड़ेगा। या तो टीएसएम सर्कल के अंदर चली जाए जो थोड़ा सा मेकआउट बन सकता है, एक्जैक्टली वही होता आपको देखने को मिल जाएगा। आई थिंक ईस्टर्न एरिया की रोटेशन शुरू हो चुकी है टीम सोल से और वही होनी भी चाहिए थी, बट उसके बीच में एक प्लेयर को नॉक एंड फिनिश कर दिया गया। आई थिंक दैट्स गोना बी वाइपर मार्कोस गेमिंग ऑन टू द अदर साइड। एक अच्छे ईस्टर्न एरिया के क्लस्टर में एनिग्मा के प्लेयर्स के साथ यहां पर फाइट मैन बोल्ड है और पिछले मैच में एनिग्मा एक्चुअली डिड अ ब्लंडर, उसको अब कंपनसेट करने के लिए इस मैच में थोड़ा सा बेटर यहां पर परफॉर्मेंस करना होगा, बट वो करने का दे रहे हैं। चारों घोड़े एक नॉक करते हैं बट इंस्टेंट पनिशमेंट मिलती है नियो की तरफ से, नियो का नेट जाता है जो मॉडल को डाउन कर जाता है। टीम सोल यहां पर थोड़ी सी दिक्कतों में, अकेले दी आईजीएल मवी सर्वाइव करते हुए क्या यहां से बेहतर पोजीशन पॉइंट्स लेके जा पाएंगे अपनी टीम के लिए। मवी के पास मौका है कि वो आगे बढ़े एंड टीएसएम को एंजॉय, टीएसएम के साथ एंगेज करे। टीएसएम नहीं सिर्फ उनको यहां पे एंगेज करना पड़ेगा, गॉड लाइक भी साथ भी। अगर आप देख रहे हैं नियो एक कंप्लीटली जो ये जो प्लेन का ट्रेंच है ना वहां पर होल्ड कर रहे हैं एंड जैसे कि आप देख रहे हैं टीएसएम प्लेस को प्रेशराइज किया जाता है। गॉड लाइक जॉनथन आगे आने वाला है, क्लच गॉड का डीपी भी यहां पे बात करता हुआ। नियो शटिंग डाउन टू प्लेयर्स राइट नाउ, पांच फिनिशेस आ चुके हैं टीएसएम के पास एंड टीएसएम कंप्लीटली चाहे तो गेट कीप कर सकते हैं गॉड लाइक के खिलाड़ियों को। रेक्स यहां पे बने हुए हैं 12 फिनिशेस, सेल्सियस नाउ प्रोवाइडिंग दैट माइंड बॉगलिंग परफॉर्मेंस। ये सेल्सियस कहां पे थी, सेल्सियस अभी जाग उठी है, सेल्सियस में वो जो तापमान है ना वो बढ़ नहीं रहा है, वो आसमान छू रहा है। वो एग्जैक्टली वो इनके फिनिशेस देख के पता लग ही रहा है सेल्सियस के, रेक्स के जितने भी एडीएस खोलने के आज प्रेस थे सब ने कोई ना कोई कनेक्शन तो ढूंढा ही ढूंढा है। लेडीज एंड जेंटलमैन मैच नंबर 3 आप सभी के लिए जिसमें 6 टीमें यहां पर बची हुई हैं। मैं मार्कोस को देख पा रहा हूं, मैं टीएसएम को देख पा रहा हूं, मैं गॉड लाइक को देख पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं यहां पर सोल से एक आखिरी बचे हुए खिलाड़ी का और मैं देख पा रहा हूं ब्लेज के एक सरप्राइज अटैक के प्लान को। किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा वो देखने वाली चीज रहेगी। गॉड लाइक जो जोन के बिल्कुल सेंटर में थी फायदा उठाया, फिनिशेस कम है बट एक अच्छे मैच के अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हुए आप बात कर रहे थे सोल के आखिरी बचे हुए खिलाड़ी की, उन्हें सर्कल का डैमेज मिल जाता है। टॉप 6 पे ये मैच टीम सोल के लिए अभी रुक जाता है। वेल फिलहाल के लिए अगर आप बात करेंगे टीएसएम एफटीएक्स की, वेल टीएसएम के खिलाड़ी यहाँ पे, वेल टीएसएम के 2 खिलाड़ी बने हुए हैं एंड उनको काफी काम एंड कंपोज खेलना पड़ेगा। एक साइड में गॉड लाइक है, दूसरे साइड में सेल्सियस है, सेल्सियस के पास कवर है एंड पीछे से यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉकर ऑलरेडी एडीएस ओपन कर चुके हैं। गॉड लाइक के खिलाड़ी निशाने में आते हुए शॉट सिर्फ कनेक्ट नहीं हो रहा है, 17 एचपी 34 एचपी का डैमेज दिया गया है, लॉकर को भी पड़ता है डैमेज। जायरो गॉड पीछे से बोलेंगे हाय एंड करेंगे यहाँ पे लॉकर को नॉकआउट, क्लच गॉड स्पॉट करेंगे यहाँ पे उस रेंज से एक से आउट करेंगे क्लच गॉड एक खिलाड़ी को, लेकिन एगी इमीडिएटली रिस्पोंड करते हैं एनिग्मा के क्लोक यहां पे विज गॉड का फिनिश निकाल के जाएंगे एंड 5 फिनिशेस के साथ-साथ अभी भी गॉड लाइक के चारों खिलाड़ी बने हुए हैं। बिल्कुल, अब साथ ही साथ निंजा की अगर आप बात करें तो ये पहले भी एक बार पार्टी स्पॉइलर का रोल अदा कर चुके हैं और एक बार फिर से इनके पास मौका है। देखिए किस तरीके से धीरे धीरे क्रोडाउन होकर आगे जा रहे हैं और एक कुछ 2 ग्रेनेड्स बहुत ज्यादा दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं बिकॉज एक क्लस्टर में इन्वॉल्व है, एक ही जगह पर यहां पर क्लस्टर में खड़े हुए हैं सारे गॉडलाइक के खिलाड़ी। कोई इंटर नहीं है कि पीछे से निंजा आने वाले, कोई वो स्टेप नहीं दे रहे हैं। कोहरा जैसे ही हट जाएगा बट हटने नहीं दिया, नियो ने यहां पर काफी स्मार्ट मूव दिखाया, बेहतर तरीके से यहां पर स्मोक कर दिया। सेल्सियस की बारी अब एक बार फिर से आ जाती है, एकेएम का यहां पर फिर से अपनी बार, व्हाट वाज दैट, दोनों एकेएम चला रहे हैं खिलाड़ी, एकेएम पर इतना भरोसा, एक पे रेड डॉट दूसरे पे 6x। सेल्सियस लोको आ सामने वाले प्लेयर्स को यहां पर आज ये लोको डाउनलोड करता हुआ सामने रोनक मिल जाएगा, ये भी एकेएम चला रहे, एकेएम वर्सेस एकेएम की ये काफी हीटन अप बैटल हो चुकी है। मार्कोस के प्लेयर्स स्मोक्स के अंदर है, प्री पास करते हुए आगे जाना चाहिए, आगे जाके उन्हें मौका नहीं देना चाहिए और जो प्लेयर्स नॉक है उन्हें प्रेशर दिया जाता है। एक खिलाड़ी अभी भी बचा हुआ है, नेम इज रोनक, हल्के में नहीं ले सकते हैं, डॉट एचपी पर बचे हुए हैं। मार्कोस गेमिंग की टीम को डाउन कर दिया जाता है, राइजिंग स्टार्स की परफॉर्मेंस एक आसमान की ऊंचाइयों को छूती हुई। इट्स अ 4v4, वी हैव गॉड लाइक, वी हैव टीम सेल्सियस जो यहां पर अपनी छाप छोड़ के जाना चाहती है, अपना नाम बना के जाना चाहती है।
गाड़ी अवेलेबल है जॉनथन के पास। जॉनथन यहाँ पे कोशिश करेंगे गाड़ी से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। जी गॉड यहाँ पे गाड़ी पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जॉनथन यहाँ पे गाड़ी लेके घूमने वाले हैं, फ्लैंक करेंगे एंड धीरे धीरे करके आगे भी बढ़ने की कोशिश यहाँ पे है। क्लच गॉड यहाँ पे एक ही का जो है फिनिश कंफर्म कर जाएंगे। इसका मतलब है सेल्सियस दे हैव 16 फिनिशेस राइट नाउ। क्लच गॉड यहाँ पे प्रेशराइज करते हुए नजर आएंगे। क्लच गॉड को इन्फॉर्म कर राइट नाउ ही इज नॉट स्टॉपिंग। एक खिलाड़ी को नॉकआउट करेंगे, पुशिंग करने वाले जॉनथन यहाँ पे लोगों को नॉकआउट करते हैं गाड़ी से। लॉकर द फाइनल होप आखिरी फर्स्ट के साथ साथ सर्वाइव करने वाले हैं। वेयर इज लॉकर, लॉकर को घेरा गया हर एक एंगल से। जी गॉड एफपी मोड में M249 लेके आगे बढ़ने वाले हैं। कहां पर लेते हैं लॉकर? जी नहीं, यहां पे सेल्सियस के लिए एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, बट गॉड लाइक कम्स बैक इनटू द गेम टुडे विद दैट विनर विनर चिकन डिनर। देखिए क्लच गॉड आईजीएल की टी-शर्ट पर क्या लिखा है, एसेंशियल। यस दिस चिकन डिनर वाज आल्सो एसेंशियल बिकॉज़ आपको टेबल में अगर एक अच्छी जगह चाहिए तो वो आपको यहीं से मिलेगी, इसी टाइम की परफॉर्मेंसेस से मिलेगी और टॉप लेवल डोमिनेशन जो चाहिए था टीम गॉडलाइक से वो यहां पर हमें देखने को मिलता हुआ जोन।